आशा एंड वेलकम टू अनदर चैनल। तो आज का जो चैलेंज है वो है मेकिंग एंड ईटिंग पराठा रोल। तो अभी ये वाला चैलेंज मैं अकेले तो कर नहीं सकती, तो उसके लिए मैंने अपनी एक कसर को बुलाया, तो उसका नाम है श्वेता। हमारे घर आई हुई थी, हमने सोचा कि क्यों ना एक चैलेंज किया जाए। तो इस गेम के टू राउंड्स हैं। तो पहला राउंड ये है कि हमने इस पराठा को खुद बनाना है। दूसरा राउंड ये है कि हमें उसी को खाना है जो पहले खा लेगा उसको 2000 पीस मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यूकंबर, कैबेज, चिकन, मायोनीज, टोमेटो केचप और चिली गार्लिक। सबसे स्पेशल चीज पराठा तो है नहीं, अभी आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले मेयोनीज लगाऊंगी और मैं सबसे पहले टोमेटो केचप। ये तो बहुत कम लग रही है, मुझे थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए। तो अब मैं टोमेटो केचप थोड़ी सी लगाऊंगी, तो मुझे इतनी पसंद नहीं है। और मैं मायोनीज। मेरे लिए तो इतनी ही सही है। तो सबसे पहले मैं एक क्यूकंबर रखूंगी। कैबेज डालेंगे जो अभी तो ग्रीन है। तो अब हम चिकन लगाएंगे। लाइन में रखना बड़ा आसान है। तो ये देखिए मैंने तो रख लिया, बस स्लोली गल रख लिया। तो अब हमारा सेकंड राउंड शुरू। जानवरों की तरह क्यों खा रही हो? जीत रहा है इसलिए। देखते हैं कौन जीतता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो अभी वैसे मैंने जो जीत गया, तो अब मैं इनको अपने हाथ से पैसे दे दूंगा। ए तू ना लगा दिया पैसा ही पैसा, पैसा वैसा करके पैसे की मरती है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज मैं आपको बहुत ही अथेंटिक किस्म के बहुत ही अच्छे पराठा रोल सिखाने जा रही हूँ, जिनका नाम है बारबेक्यू टिक्का पराठा रोल। तो बहुत ही अच्छे पराठा रोल बनने वाले हैं, बहुत ही डिफरेंट बनने वाले हैं। इसका पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा, फ्रोज़न पराठों जैसा बनेगा और बहुत ही आला बन के तैयार होगा। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी। तो ये टिक्का पराठा रोल बनने वाले हैं, तो आपको इसमें सबसे पहले मैं टिक्के बनाने बनाऊंगी। बहुत ही अच्छे आला सॉफ्ट टेंडर बनेंगे। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। पहले चिली सॉस, सोया सॉस, वाइट विनेगर, लीमू हमें चाहिए फ्रेश, 2 लीमू ले लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए चिकन टिक्का मसाला चाहिए, जो बहुत थोड़ा इसके अंदर जाएगा, बाकी हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिकन ले लीजिए। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर वाइट विनेगर डालिए 2 टेबल स्पून। ये 1/2 kg चिकन लिया था मैंने, तो इसके तकरीबन 13 से 14 पराठे बन गए थे। तो आप इसके अंदर चिली सॉस डालिए 2 टेबल स्पून। उसके बाद डालिए सोया सॉस डालिए 2 टेबल स्पून। ये इसको बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर कर देंगे और बहुत ही अच्छे टिक्के बन के तैयार होंगे। उसके बाद 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon ब्लैक रेड चिली पाउडर और ज़ीरा मैंने भून के इसके अंदर डाला है। चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर मैंने डाली हैं, सॉरी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 teaspoon इसके अंदर डाली है और हल्दी डाली है। ये देखिए ये 5 चीज़ें इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं। उसके अलावा इसके अंदर हम फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। फ्रेश डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके अलावा हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे टिक्का मसाला, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनने वाला है और बाज़ार से अच्छे टिक्के ये बन के तैयार होंगे। और फ्रेश लेमन जूस, 2 लीमू लेकर हमने इसके अंदर फ्रेश लेमन जूस डाला है। तो इसको मैरिनेट आपने ज़रूर करना है, 2 से 3 घंटे आपने ज़रूर इसको मैरिनेट करना है। तो ये बहुत ही अच्छे टेंडर हो जाएंगे और ज़्यादा कुक भी नहीं आपको करना पड़ेगा और जल्दी जल्दी आप इसको बना सकेंगे। डो के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मैदा चाहिए, मैंने 3 कप मैदा लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल फाइन मैदा है, इसको हमने छान लिया, अच्छी तरह इसको छान लीजिए। फिर मक्खन जाएगा इसके अंदर, अगर आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। फिर दूध लिया है मैंने 1 गिलास और पानी अपने पास 1 गिलास रख लीजिए। नमक और चीनी इसके अंदर जाएगी। तो सबसे पहले नमक 1 टेबल स्पून और चीनी भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी। चीनी से ये बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, बल्कि इसके टेस्ट को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। बहुत ही अच्छा हल्का सा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा, जैसे फ्रोजन पराठे होते हैं, बल्कि ये उससे अच्छे पराठे बन के तैयार होंगे आपके, क्योंकि मैं इसे दूध से गूंद रही हूँ। ये देखिए थोड़ी बहुत मलाई भी इसके अंदर आ गई है, तो आपने इसको दूध से गूंदना है। ये देखें, आप पानी की जगह दूध जितना ऐड कर सकते हैं अच्छी तरह ऐड कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन के भी डाले हैं, आप मक्खन डालना चाहें तो वो डालें। इसे अच्छी तरह गूंद के अब मैंने रख दिया है, पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ इसको बाइंडिंग करने के लिए मैंने हल्का सा पानी लगा के इसे बाद में अच्छी तरह गूंदा है। ये देखिए वरना 1 गिलास दूध में ये बिल्कुल परफेक्ट डो बन के रेडी हो चुकी थी और इससे बहुत सॉफ्ट पराठे बनेंगे। इनको आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए बॉक्स में डाल लीजिए। तो सबसे पहले मेयोनीज़ लीजिए, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मेयोनीज़ ली थी, क्योंकि ये इसके अंदर हमने लगानी है। तो आप जितनी चाहें ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने आप पराठे बना रहे हैं उसके मुताबिक सॉस बना लीजिए, क्योंकि पराठे के अंदर हम इसकी लेयरिंग करने वाले हैं। ये देखें सबसे पहले मैंने मेयोनीज़ ले ली है, 2-3 टेबल स्पून मैंने ले ली है। थोड़ा सा लेमन जूस इसके अंदर जाएगा, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा साल्ट, क्योंकि मेयोनीज़ में नमक होता है, तो आपने थोड़ा सा डालने के बाद इसको टेस्ट कर लेना है। ये देखिए पिंच मैंने डाला है, तो आपने इसको टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कम लगे लहसुन पाउडर डाला है, ये देखिए अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप 1 लहसुन को कूट के भी इसके अंदर डाल सकते हैं और 1/2 लेमन जूस इसके अंदर डाला है मैंने। ये बहुत ही अच्छी मेयोनीज़ बन के रेडी होती है, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये ताज़ा ताज़ा हमने फ्रेश कूट के बनाना है। लहसुन लेने हैं 2-3, दही हमने बिल्कुल अच्छी पानी वाली नहीं होनी चाहिए, नमक, ज़ीरा, पुदीना और हरा धनिया। ये देखिए इसको आपने ग्राइंड नहीं करना, बल्कि इसको ताज़ा आपने कूट लेना है, बहुत ही अच्छा ये रायता बन के तैयार होगा। ये देखिए फ्रेश, थोड़ा सा हरा धनिया लीजिए, थोड़ा सा पुदीना लीजिए, फ्रेश बिल्कुल आपने लेना है। उसके बाद 2-3 हरी मिर्चें फ्रेश इसके अंदर डालिए, 2-3 लहसुन के क्लोव डाल लीजिए इसके अंदर। देखिए फ्रेश इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा डालिए और थोड़ा सा नमक डालिए। ये सारी चीज़ें हम असेंबलिंग के टाइम पर उसके पराठे के अंदर लगाएंगे, तो ये चीज़ें आपने बना के साइड पर रख लेनी है, अपनी चीज़ें तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। इतने में हमारी डो भी सेट हो चुकी होगी, जितनी देर में हम ये तमाम चीज़ें रेडी करेंगे उतनी देर में डो भी बेलने के काबिल बन चुकी होगी। तो ये रायते में हम डाल देंगे। देखिए नमक आप टेस्ट कर लीजिए, कम या ज़्यादा जैसा भी आपने करना हो। ये देखिए दही में इसको मिक्स करके सारी चीज़ें तैयार करके आपने जब भी पराठे बनाने हो तो सारी चीज़ें रेडी करके अपने पास रख लीजिए। उसके बाद हम टिक्के रेडी करें। सिचुएशन में आ जाए तो हमने इसको कोयले का दम लगाना है ताकि ये बिल्कुल टिक्कों वाला टेस्ट दे।
तो इस स्टेज पर आप खाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल बाज़ार के तिक्के फील होंगे। तो ये मैंने कोयले का दम दिया है, इसको 5-10 मिनट के लिए स्मोक को इसके अंदर रहने दीजिए, तो ये बिल्कुल बारबेक्यू तिक्के लगेंगे। उसके बाद हम पराठे बनाते हैं। देखिए छोटे छोटे पेड़े बना के मैंने छोटी छोटी रोटियां बेल ली हैं और एक एक करके उसको मैंने बिल्कुल आराम से, आप चाहें तो बटर लगाएं, चाहें तो घी लगाएं, जो आपको पसंद है वो लगाकर इन पराठों को बेल लीजिए और बना लीजिए। उसके बाद इसकी असेंबलिंग करते हैं। तो इसकी असेंबलिंग 2-3 तरीक़ों से होगी, वो सारे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए सलाद पत्ता लीजिए, ये खीरे मैंने काट के रख लीजिए, ये देखिए। उसके बाद जो मेयोनीज़ वाली डिप हमने बनाई थी वो उसकी लेयर एक इसके अंदर लगा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा लगाइएगा मेयोनीज़, और जो लोग ज़रा मेयोनीज़ से अवॉइड करते हैं वो थोड़ा कम कर लें। उसके अलावा इसके अंदर सादी केचप लगाना चाहें तो वो लगाएं, और अगर आप चिली गार्लिक केचप लगाना चाहते हैं तो वो लगा लीजिए। ये दो तरीक़ों से मैं पराठे आपको बनाने बताऊँगी। उसके बाद मैंने ये केचप लगाई है, ये देखिए बहुत ही अच्छे ये बनेंगे। और सलाद के पत्ते लिए हैं, प्याज मैंने रिंगों में काट लिए हैं, खीरे काट लिए हैं, क्योंकि ये तिक्कों वाले हैं तो इसमें यही चीज़ें जाएंगी। तो तिक्के भी हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक साइड पे सलाद पत्ता रखेंगे, ये देखिए। थोड़ा सा इसको ओपन करके बाहर रख लीजिए, बटर पेपर इसके नीचे रखिए और इस तरह रखिए कि हाफ पराठे पे वो जाए। ये देखिए 4-5 हमने इसके अंदर तिक्के डाल देने हैं, जितनी भी कैपेसिटी होगी पराठे की, 4 से 5 या 6 इनफ, 6 से ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो ओवरफ्लो कर जाता है और बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इर्द गिर्द आपने खीरे रख रहे हैं, जो भी सब्ज़ी आप पसंद करते हैं, बंद गोभी या ड्रिंक्स में मैंने ये डाले हैं। देखिए प्याज डाले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको टमाटर पसंद है वो टमाटर डाल सकते हैं। अब ये देखिए दूसरा मैंने लिया है, इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए इसके अंदर, अच्छी तरह से आपने मेयोनीज़ इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए इसके अंदर, अच्छी तरह से आपने मेयोनीज़ को लगा लेना है। ये देखें मेयोनीज़ वाला मैंने इसके अंदर लगाया है। उसके बाद हम केचप इसके अंदर लगा रहे हैं, ये देखें केचप इसके अंदर अच्छे से लगा दीजिए। उसके बाद आपने उसी तरह करना है, अगर आपने इसको ओपन बनाना है, ब्रेड के अंदर रोल नहीं करना, तो इसको आप और तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए ये एक मैं रायते वाला बना रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो इसमें से केचप को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब आप इसके अंदर रायते की लेयर लगाइए, मेयोनीज़ लगाइए, केचप लगाइए, उसके बाद रायते की लेयर लगाइए। अगर आप चाहें तो इसमें खाली रायता भी लगा सकते हैं। तो ये मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता रही हूँ कि दो तरीक़ों से ये बन सकता है, एक मेयोनीज़ वाला और एक रायते वाला। इसमें भी उसी तरह सलाद का पत्ता लगाइए, उसके अंदर फिर आपने वेजिटेबल्स डालनी है, प्याज डालने हैं, खीरे डालने हैं, और उसी तरह से तिक्कों को इसके अंदर रखते चले जाना है। ये देखें ये तिक्के आप जितने चाहें इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उतने ही डालिएगा कि बार बार। अब इसके अंदर खीरे डालिए, प्याज़ों के रिंग डालिए, दोनों ही तरीक़ों से बहुत टेस्टी लगता है। जो लोग प्याज और खीरे नहीं डालना चाहते वो स्किप कर दें, या बंद गोभी डालना चाहते हैं, या जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो इसके अंदर डाल लीजिए। और उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे आपने पराठे को हाफ फोल्ड करना है। उसके बाद बटर पेपर में इसको रखना है, आधा बटर पेपर इस साइड पर रखना है, ये देखें, ताकि हम उसको बाद में फोल्ड करके इस तरफ ला सकें। ये देखिए आप इसको इधर फोल्ड कर दीजिए, बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, उसके अलावा बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं, तो बच्चे बहुत ही खुश होने वाले हैं, तो आप अपनी इफ्तारी में बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको ओपन रखना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास पेपर नहीं है या रैपर नहीं है तो ऐसे इसको फोल्ड कीजिए, ये देखिए अच्छी तरह। ये एक और मैं आपको फोल्ड करके सिखाती हूँ, ये देखिए आपने बाहर उसको कर लेना है सलाद के पत्ते को अच्छी तरह से। अब ये बाहर निकल आया, ये देखिए, ये करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि अगर कोई बच्चियाँ बनाना चाह रही हैं तो वो बहुत इजीली इसको कर पाएँ। उसके बाद आपने अंदर इसको, एक को हमने बाहर फोल्ड किया था, एक को अंदर फोल्ड किया, ये देखें बहुत ही अच्छे ये बनकर रेडी हो जाते हैं। और एक को हम ओपन बनाना सिखा रहे हैं कि इस तरह आप बनाइए, और कोई भी अच्छे से टूथपिक आपके पास हो या कोई भी डेकोरेशन की चीज़ हो तो उसको इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना ये आपको चैलेंज कैसा लगा, और ये भी बताना कि अगला चैलेंज मैं किसके साथ करूं और क्या करूं। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।